तो हम बात कर रहे थे श्री राधा रमण लाल जी की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद श्री चेतन महाप्रभु के साथ वृंदावन आ गए, रहने लगे। कुछ समय पश्चात सरकार ने कहा कि भैया यात्रा मेरी तो हो गई है, मुझे पहुंचना है जगन्नाथपुरी, अब तुम रहो। तब अपना गतोत्रीय वस्त्र श्री चैतन्य महाप्रभु दे गए और कहा लो तुम शालिग्राम की सेवा करो। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं, इत्र लगाते हैं, बढ़िया चंदन लगाते हैं और झूला में बैठा रखे हैं। गर्मी की बात, झूला झूल रहे हैं। इतने में श्री हरिराम व्यास जी महाराज का आगमन हुआ। वृंदावन के हरित्रय हैं जी, इनके नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। सर हरिराम व्यास जी महाराज का जैसे आगमन हुआ, वो संगीत के बड़े विज्ञ थे। किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं जी, उन्हीं का पद है श्री व्यास जी महाराज का। श्री व्यास जी महाराज ने जैसे उनका आगमन हुआ, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने उनको आसन दी और कहा सरकार आप गाते बड़े अच्छे हैं, तो आप हमारे शालिग्राम बटिया को कुछ पद सुनाओ। उस शालिग्राम को श्रीपाद बटिया कहते थे, बटिया बटिया समझते हो, सिल्लोड़ी जो बटिया जो होती है, तो ऐसे शालिग्राम जी हमारे गोल गोल, तो कहते थे बटिया है, जरा हमारे इस बटिया को सुनाओ, हमारे शालिग्राम को कुछ सुनाओ। तब श्री हरिराम व्यास जी महाराज क्या बोले, वो कह रहे हैं झूलो झूलो गंडकी लाल, हाथ नहीं पैर नहीं नैन नहीं नासिका, झूलो झूलो गंडकी लाल। हे गंडकी नंदन, शालिग्राम कहां से मिलते हैं, नेपाल गंडकी नदी से, दामोदर कुंड वहां से प्राप्त होते हैं। तुलसी पत्र डालिए, अपने आप नीचे से आते हैं, तुलसी पत्र आप डालिए और शालिग्राम नीचे से अपने आप आते हैं। अब देखो क्योंकि आज तुलसी शालिग्राम विवाह भी यहां पर है, तो चर्चा भी यहीं से प्रारंभ हो रही है, यहां से प्रारंभ होगी और यहां विश्राम होगी, ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है, आद्यो पांत उन्हीं की चर्चा। तो उन्होंने क्या बोला कि झूलो झूलो गंडकी लाल, हे गंडकी से उत्पन्न शालिग्राम झूलते रहो, लेकिन सुनो तुम्हारे हाथ नहीं है, पैर भी नहीं है, नैन नहीं है और नासिका भी नहीं है, तुम ऐसे शोभायमान हो रहे हो झूला पे जैसे किसी किसान की टोकरी में रखा हुआ बैगन उपमा पाता है, इसको कहते हैं विहंगम, विहंग वरे बाण। कोई आदमी देखता कहीं है बाण कहीं चलाता है, कहना कुछ इधर कहता है, दिखता इधर है, अरे ताना मार दिया। तो श्री जैसे ही कहा, श्रीपाद जोर जोर से रोने लगे, अरे मैंने तो कहा था आपको पद गाओ, पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि बोलना ही अपराध है, समझिएगा। जिस समय आपको कुछ बुराई लगे उस समय मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, और जहां आपने बोलना प्रारंभ कर दिया वहीं द्वंद है। हमारे आचार्य जी शिक्षा देते जा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। सरकार आपने बड़ा प्यारा पद गाया, अपनी वाणी से जितना आपके लिए धन्यवाद करूं कम है, बस मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को नींद नहीं आई, श्रीपाद को रात्रि भर झूला झूला रहे हैं और रो रहे हैं, हे श्री लालजू आपके चरण होते, आपके चरण दबाता और आपके हाथ होते तो मैं हाथों को दबाता, आपका मुखमंडल मुख होता तो मैं आपको प्रसाद पवाता, मैं आपकी सेवा करता। पर वास्तव में वैसे व्यास जी महाराज गलत कह के नहीं गए, बिल्कुल सही बोल के गए हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, आज रात्रि सहन नहीं किया उन्होंने, रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं। अरे लालजू अगर आपके हाथ पांव होते तो आपको पोशाक पहनाते, आपका मुख होता तो आपको प्रसाद पवाते, अरे बढ़िया से आपकी मैं सेवा करता, आपकी दांतुन करता, पर मैं क्या करूं, मेरे भाग्य में तो
आप ऐसे ही हैं। जैसे ही देखा 4 बज गए, अपना कमंडलू उठाया, यमुना जी पहुंचे और यमुना जी स्नान करके आ रहे हैं, हाथ में जल लेकर आ रहे हैं अपने कमंडलू में। आकर क्या देखा, पहले के समय में गांव में जैसे मैया माता बहन क्या करती, दूध दही को छीके में टांगती थी ना, ऐसे महात्मा लोग अपने ठाकुर जी को या तो अपनी माला झोली में रखते या वो छीके में टांग देते। पहले यही मंदिर हुआ करता था, कोई बड़ा बड़ा मंदिर नहीं हुआ करता था पुराने समय में, किसी बढ़िया कदम के नीचे। और मैं आपको उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय ब्रजमंडल में वृंदावन में मात्र एक गांव हुआ करता था, वो है राजपुर। केवल एक गांव राजपुर, इसके अलावा और कोई गांव नहीं था, सब जंगल ही जंगल था तुलसी का पूरा। ये वृंदावन का इतिहास है। श्री हरदास जी महाराज का गांव हुआ करता था, केवल श्री हरदास जी का, और सब पूरा तुलसी का जंगल केवल राजपुर में। और जो महात्मा रहते थे वो भिक्षा के लिए कहां जाते थे, मधुकरी के लिए राजपुर। भिक्षा मधुकरी समझते हो, एक होती है भिक्षा तो अपने ऐसे ले लेना, एक होती है मधुकरी, एक मट्टी की एक हड़िया होती है, मट्टी का कलश, और उसमें क्या करते हैं, लाइए जो भी आपके पास है। बोले मैया ला मधुकरी। ब्रजमंडल में आज भी मधुकरी की महिमा है। कोई महात्मा जब बनता है तो उससे कहते हैं पहले जा ब्रजवासी के घर में मधुकरी मांग, अगर ब्रजवासियों ने मधुकरी दे दी ना तो बाबा जी बनना सफल है, वैराग्य लेना सफल है। तो उसी मट्टी की हड़िया में दाल डाल दी, सब्जी डाल दी, रोटी जो भी कुछ बना हुआ है सब कुछ उसी में डाल दिया, और ऐसे मिक्स करके बढ़िया बंगाल की तरह, जो आप कलकत्ता गए होंगे बंगाल की तरफ गए होंगे तो वो लोग क्या करते हैं, निरी सारी सब्जियां बनाते हैं और चावल में रख के सब डाल लेते हैं, एक साथ सब डाल लेंगे सारी सब्जियां, फिर ऐसे बना के बढ़िया से वो खाते हैं, उनका अपना एक स्वाद है। सारे महात्मा साधु संत मधुकरी मांगने के लिए राजपुर जाया करते थे, और श्रीपाद स्नान करके जैसे ही आए, जैसे ही छीके की तरफ देखा तो एक विषैला सर्प लिपटा हुआ उसके ऊपर। ये तो बड़े जोर जोर से रोने लगे, पर महात्मा है, हाथ जोड़ा, क्या बोले, ये भाव विब्बल हो गए। बोले हे नाग देवता, हे शेष भगवान, जब तक मैं स्नान करने के लिए यमुना जी गया तब तक आपने मेरे शालिग्राम की रक्षा करी, आपको मैं उपकार कैसे भूल सकूं, बस मेरा प्रणाम स्वीकार करो। महात्मा की दृष्टि है, अगर आज किसी को सांप दिख जाए महाराज मारने लग जाए, उसके मुंह को मसल देता है पूरा। मैंने कल भी एक बात बोली थी, चैतन्य चरितामृत में सीधी बात लिखी हुई है, नामे रुचि जीवे दया, जीव मात्र पर दया करनी चाहिए, मारा पीटा बिल्कुल नहीं। जैसे हाथ जोड़ा, श्री शेष भगवान धीरे से उतरे, उतर कर वहां एक पीपल का वृक्ष है, कदम का वृक्ष, दोनों एक साथ हैं, और वहां से सीधे ऊपर के लिए वृक्ष की तरफ शाखा तरफ चले गए, अंतर ध्यान हो गए शेष भगवान, ऐसे आप समझिएगा। अब जैसे हाथ डाला, शालिग्राम निकालने वाले थे, उसमें एक मूर्ति निकली, उस मूर्ति को एक तरफ रख दिया, क्योंकि मूर्ति से कोई प्रेम नहीं, अपने शालिग्राम से प्रेम है, अपने देवता से प्रेम है, जिससे प्रेम होता है उसी से प्रेम होता है। मूर्ति को एक तरफ रख दिया, ढूंढा तो शालिग्राम भी नहीं। बड़ी जोर जोर से रोए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, हे सरकार मुझसे क्या अपराध हो गया, आप मुझे छोड़कर चले गए हो, मैं अब आपके बिना कैसे रहूंगा, मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और जोर जोर से फूट फूट के रो रहे हैं। इतने में आकाशवाणी हुई, हे श्रीपाद अब और कितना रोएगा, तेरे रोने ने मुझे पिघला दिया। बोले पिघला दिया, समझा नहीं मैं कुछ आपकी बात। बोले तू क्या ढूंढ रहा है। बोले सरकार मेरी बटिया, मेरी शालिग्राम, जिनकी सेवा मैं किया करता हूं, मेरे आचार्य ने कृपा करके मुझको प्रदान किए। तब कहा तू कहीं और ना ढूंढ, जिससे तू प्रेम नहीं करता है ना,
जो तेरे उल्टे हाथ की तरफ है उसको उठा, तेरे रोने ने आज मुझे पिघला दिया है। तू कहता था ना हाथ पाम आंख दांत सब जरा देख, और जो श्री विग्रह को उठाया और जो निहारा, पर भक्त बड़ा कर रहा होता है, बोले मैं कैसे मानूं आप वो ही हैं, अब मुझे प्रमाण करो। आहा, बोले अच्छा प्रमाण चाहते हो, बोले हाँ ये तो मुझे किसी कलाकार की कृति लगती है, किसी कलाकार ने मूर्ति बनाई है, मुझे नहीं लगता। तब कहा कि एक बात बता, तेरे शालिग्राम में कोई कुछ चिन्ह होगा, कोई निशानी तो होगी कुछ? बोले हाँ। बोले जिस जगह से मैं रखता था वहां हल्की सी घूमक है। तो बोले अच्छा, तो बोले जरा मुझे मोड़ और मेरी पीठ पे देख। तो जैसे श्री लालन जी को मोड़ा और यहां देखा तो वही घूमक बनी हुई, आज भी श्री राधारमण जी की बनी हुई है यहां पर, आज भी हल्की सी उठी हुई। ओहो, जो देखा श्रीपार झर झर रोने लगे, सरकार आप मेरे लिए प्रकट हो गए, अब मैं क्या करूं। सारे ब्रजवासियों को, साधु संत महात्माओं को सबको बुलाया, भैया आओ आओ आप सबका स्वागत है, आज मेरे घर लाला का जन्म भयो है। ये प्रेम की बात है। सब साधु संत सब महात्मा सब चले आए दौड़े दौड़े और सबसे कहा कि भैया अब इनके नामकरण तो करो। भाई नामकरण भी किया जाता है। तब सब ब्रज के संत मिलकर बोले गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, वो ही स्थान है जहां रास के समय भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, और अंतर ध्यान होते हुए जहां इसी वृक्ष के नीचे श्री राधा रानी की वेणी सिंगार की है, चुटिया बनाई है, और राधा रानी के साथ इसी स्थान पर रमण किया है, वार्तालाप किया है, तो इसीलिए इसका कोई और नाम नहीं, इसका नाम होगा राधा रमण। राधा रमण लाल की जय।